देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गठबंधन की राजनीति को अमली जामा पहनाने का काम, जी हां, मऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जनवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होकर जनवादी के साथ में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। साथ ही जिले के पूर्व सपा विधायक कपिल देव यादव की मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। एक तरफ जनवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होकर चौहान वोटरों को जोड़ने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा से अलग होकर शिवपाल यादव की नई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में यादवों के बढ़ रहे हुजूम को देखते हुए कहीं न कहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चिंता का विषय हो चुका है। यादव वोटरों को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिले के पूर्व विधायक कपिल देव यादव की मूर्ति का आवरण कर यादव वोटरों पर निशाना साधने के काम किए हैं। मऊ से हमारे संवाददाता विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। यह हो सकता है चौहान समाज के लोग इस बात को समझे ना समझे, पत्रकार साथी शायद समझते हो इस बात को। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से और हमारा समाजवादियों का गहरा रिश्ता है और वो गहरा रिश्ता इसलिए है क्योंकि कन्नौज की जो घटना है वो आपको पता होगा। पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन की, पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन की वो घटना कन्नौज की सबको जानकारी होगी उसकी। उन्होंने कभी भी अपना अपना अपमान नहीं स्वीकार किया, उन्हें चाहे कुछ करना पड़ा होगा सम्मान की लड़ाई में वो पीछे नहीं हटे। और कन्नौज में वो घटना हुई है वो कितने वर्षों पुरानी आज भी लोगों को याद है। जिस रास्ते से पृथ्वीराज चौहान दिल्ली गए थे तो भरोसा दिलाते हैं बहुत शानदार स्मारक पृथ्वीराज चौहान जी का कन्नौज में बनेगा और जहां संजय चौहान कह देंगे वहां पर दूसरा स्मारक बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर तैयार हो जाएंगे तो यही सड़क देश की सबसे। मुख्य सचिव एवं भदोही जिले के अधिकारियों द्वारा चौपाल, जी हां, भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत दुरासी ग्राम में प्राथमिक विद्यालय पर मुख्य सचिव एवं भदोही जिले के आला अधिकारी द्वारा चौपाल लगाया गया। इस चौपाल में समस्त ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने रखे। अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं कितने लोगों को प्राप्त हुई इसकी जानकारी ली गई तथा उनको सारी सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ीलाल शुक्ला की रिपोर्ट। इंडिया से मैं बड़ेलाल शुक्ला, आज मैं भदोही जिला के दुरासी गांव में आया हूं। यहां पे ग्राम वासियों को क्या क्या सुविधा सरकार द्वारा प्राप्त की गई है, क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, इसके विषय में थोड़ा दिखाते हैं। यहां पे जो है प्रमुख सचिव आए हैं उत्तर प्रदेश के, ये जो किसानों को सुविधा दे रहे हैं इसके विषय में दिखाते हैं आपको। पैसा भी लिए फालतू बोले नहीं। आप लोग रहते हैं गुजरात रहते हैं? नहीं, हम दवा के लिए गए, हमारा एक ही लड़का बीमार। अच्छा, आप घर दूसरी जगह दूर है? नहीं नहीं, ये कह रहा हूँ कि शौचालय से आप लोग गए नहीं? सर ये कह रहे हैं कि शौचालय आपके नाम कर लिया जाए क्योंकि सरकारी पैसा लगा हुआ है, अब तोड़वा देंगे तो सरकारी पैसा। क्या है, बताइए, जमीन है बगल में? बगल में।
कौशल जागरूकता रैली, जी हाँ, कौशल विकास मिशन मेघा विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड लालगंज प्रतापगढ़ के द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना के 5 वर्ष पूर्व होने पर कौशलोन्नयन दिवस के उपलक्ष्य में कौशल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से संस्था प्रबंधक अनिल सिंह, संस्था ट्रेनर प्रेम मिश्रा एवं संस्था में प्रशिक्षण ले रहे छात्र एवं छात्राएं आदि शामिल हैं। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय पाल की रिपोर्ट। कौशल विकास की यही पहचान, सबको हुनर सबको काम, हर हाथ में रहे कुशलता, हर जीवन में नई सफलता। कौशल विकास की यही पहचान, सबको काम, हर हाथ में रहे कुशलता, हर जीवन में नई सफलता। कौशल विकास की यही पहचान, सबको हुनर सबको काम, हर हाथ में रहे कुशलता, हर जीवन में नई सफलता। कौशल विकास की यही पहचान, सबको हुनर सबको काम, हर हाथ में रहे कुशलता, हर जीवन में नई सफलता। अभी यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सड़कों का हो रहा है विकास, जी हाँ, आजमगढ़ के कस्बा देवगांव में प्रदीप कुमार ने बताया कि सड़क का काम चालू हो गया है। यह अंबेडकर मूर्ति से लेकर 500 मीटर तक लगभग बनेगा, ऐसी पूरी संभावना है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। क्या नाम है ये? कहाँ से कहाँ रोड बन रहा है, कैसे मीटर है? 500 मीटर। अच्छा अच्छा, मटेरियल वटेरियल सही लगा रहा है सब? कई इंच हो रहा है ढलाई? 3 इंच हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप भी यहाँ काम कर रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है? दीपक नाम है। कब से चालू हुआ है? अभी तो कई दिनों से? आज चार दिन हो गए चालू हुए। बेदलवीर बाबा का दरबार है, जहां सीईओ साहब के नेतृत्व में कंबल का वितरण किया गया, जिसमें चौक इंचार्ज गुंजन यादव, सूर्य प्रकाश मौर्य, प्रमोद गुप्ता आदि लोगों के द्वारा भंडारा व कंबल वितरण किया गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बाजार में यहां पर कंबल वितरित हो रहा है और सर सीईओ साहब के नेतृत्व चार साहब राधे श्याम जी हैं और इनके जो है नेतृत्व में कंबल का वितरण किया जा रहा है। विकलांग लोगों के लिए कंबल का वितरण किया जा रहा है। दिव्यांग लोगों के। आप कुछ कहना, आपका शुभ नाम सर? नागेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट। और हम लोग हर साल की भांति इस बार भी हौसला न हारेंगे हम जब तक है दम बैनर तले। हम लोगों के कमेटी के अध्यक्ष गुंजन यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों की जो टीम है वो प्रति वर्ष गरीब विधवा महिलाओं को, दिव्यांगों को, कुपोषित बच्चों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित करने का काम विगत 4 वर्षों से करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी के दिव्यांग बच्चों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। और भंडारे का भी आयोजन 2 दिनों से किया गया है, कल भी भंडारा चला था और आज भी चल रहा है। कार्यक्रम के बाद लोगों को खाना खिलाया जाएगा यहाँ पर। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे सीओ साहब थे, सुरेंद्र नाथ जी थे, जो अभी कुछ देर पहले कंबल वितरण करके कुछ दिव्यांग बच्चों को कंबल अपने हाथों से दिए, क्योंकि समय अभाव था इसलिए वो निकल गए। बाकी का काम हम लोग आगे कर रहे हैं। हमारे चौकी इंचार्ज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनके निर्देशन में, उनके मुख्य आतिथ्य में हम लोग कार्यक्रम का संचालन निरंतर कर रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम कमेटी, आपका शुभ नाम? गुंजन यादव, आज बाजार जो ये कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो कि मतलब सब गली गली जाकर के चंदे मांग करके दिव्यांगों के लिए जो इकट्ठा पैसा करके इस कंबल को बांटते हैं हर साल, और ऐसी हौसला रहेगा तो हर साल बांटते रहेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम छोटेलाल बनारसी बिरहा सम्राट, और हर साल की भांति आदर्श गांव शहीदों का गांव है और गुंजन यादव के देख रेख में बेचारे
दो तीन महीने से मेहनत करके सबसे चंदा इकट्ठा करके हमारे मुख्य अतिथि शिव साहब जी, हमारे लोकप्रिय चौकी इंचार्ज महोदय राधे श्याम जी और नागेंद्र जी, भीम जी और राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, तमाम लोगों के सहयोग से चल रहा है। अभी रात में जो था यहाँ पे भंडारे का काम चल रहा था, अभी भंडारा चल भी रहा है और हम लोग चाहते हैं हर साल की भांति इस साल जैसे चल रहा है हर साल चलता रहे। जरा ये हमारे पंडित जी हैं, जरा इनसे भी वार्ता करते हैं। हाँ बोलिए पंडित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? खबरों का सिलसिला अभी भी आगे लगातार जारी रहेगा, उसके लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।